हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा डोमेस्टिक वायलेंस का दर्ज करवाया है, इस केस में आप क्या करोगे, कैसे इससे बचोगे, क्या करना होगा, आज की वीडियो में सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर आप प्लीज कर दें, बेल आइकन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब भी आपके ऊपर लगता है तो आपकी पत्नी के द्वारा काफी सारे रिलीफ जो हैं आपसे मांगे जाते हैं, जैसे कि कंपनसेशन मांगी जाती है, 20 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, और मेंटेनेंस भी मांग लेते हैं। कई बार आपके घर में जो है वो कहते हैं हमें हिस्सा भी दो, और वो आपके ऊपर जो है डिवोर्स भी आपसे मांगते हैं। सो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए आपने कोर्ट को यही साबित करना है, यही कहना है कि हमारे घर में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना कभी घटी ही नहीं, हमारी तरफ से कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, चाहे आपकी तरफ से, चाहे आपके घर वालों की तरफ से, या फिर कोई भी रिश्तेदार की तरफ से आपके जो है अपनी पत्नी के ऊपर जो है कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करा गया। अब आप इसको साबित कैसे करोगे? सबसे पहले आपके पास जब आप अपनी पत्नी को घुमाने लेकर गए थे, उसकी कोई वीडियोस, कोई फोटोज पड़ी होंगी, वो आपने कोर्ट में सबमिट करनी है। और आपने कभी अपनी पत्नी को शॉपिंग करवाई होगी, उसके जो बिल्स पड़े होंगे वो भी आपने जो है कोर्ट में सबमिट करने हैं। अब इससे होगा क्या? इससे ये पता चलेगा कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना जो है आपके घर में घटी ही नहीं कभी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता होगा, उसको पीटता होगा, वो क्यों उसे घुमाने लेकर जाएगा, वो क्यों उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाएगा? और ये सारी वीडियोज जो है आप कोर्ट में सबमिट करके ये कह सकती हो कि वो जो है मेरे साथ खुश थी, और ये कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना जो है हमारे घर में घटी ही नहीं। सो कोर्ट जो है इसको जरूर देखेगी। ये सारे एविडेंस आपके पास, ढेरों एविडेंस हो सकते हैं ऐसे जो कि मुझे भी ना पता हो कि वो कब आपके साथ खुश थी या कब नहीं, जो कि मुझे भी ना पता हो। इसीलिए जो है आपने इस तरह के छोटे छोटे एविडेंस जो है आपके पास पड़े होंगे, ये सारे एविडेंस आपने कोर्ट को सबमिट करने हैं। वीडियोस हो गई, फोटोस हो गई कि अगर कोई मैंने ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट करा है तो ये मेरे साथ ऐसे खुश क्यों थी। सो दोस्तों, ये सारी वीडियो से सारे एविडेंस आपके पास जो पड़े हैं आप कोर्ट में सबमिट करें, और ये कोर्ट जरूर देखेगी कि आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस की कोई भी घटना जो है घटी ही नहीं। सो इससे आप जो है कंपनसेशन देने से और मेंटेनेंस देने से और काफी सारे रिलीफ से बच सकते हैं। अगर आपको हमारी इस वीडियो बढ़िया लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा ताकि उनको भी पता चल सके। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।